नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F19 Pro वर्सेस Samsung Galaxy A32 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F19 Pro में 6.3 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Oppo F19 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Oppo F19 Pro में 2.88 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F19 Pro में 0.31 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo F19 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F19 Pro में 172 ग्राम जबकि Galaxy A32 4G में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo F19 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F19 Pro में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy A32 4G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F19 Pro में 85.18% जबकि Galaxy A32 4G में 84.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo F19 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A32 4G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo F19 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A32 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo F19 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A32 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo F19 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy A32 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F19 Pro में पावर GM9446 जबकि Galaxy A32 4G में Mali G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F19 Pro में MediaTek Helio P95 और Galaxy A32 4G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo F19 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A32 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo F19 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A32 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo F19 Pro में अप टू 256GB जबकि Galaxy A32 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F19 Pro में 4310mAh जबकि Galaxy A32 4G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो ओप्पो F19 Pro में दो कलर्स जबकि गैलेक्सी A32 4G में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो F19 Pro में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,490 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,490 रुपीस में मिलता है। और बात करें गैलेक्सी A32 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 21,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो F19 Pro में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A32 4G की तो उसमें 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी A32 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो F19 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo V20 है जो कि 22,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Oppo F17 Pro है जो कि 18,390 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।